मैं कहा था डिफोरेस्टेशन पे। पेड़ों के कटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन, यानी लोगों के घर वगैरह बनना। मैं क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि यार ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पेड़ों के कटने का सबसे बड़ा कारण कुछ और है। क्या लगता है इसके अलावा कुछ और हो सकता है सबसे बड़ा? पेपर, पेपर भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? माइनिंग, बहुत बड़ा कारण है, माइनिंग भी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा कारण। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी नहीं है सबसे बड़ा कारण। पॉपुलेशन, हाँ इनडायरेक्टली रिलेटेड है पर डायरेक्टली कुछ और कॉज कर रहा है सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन का। एनिमल एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर नहीं एनिमल एग्रीकल्चर। होता ही है कि जैसे अपन मीट खाते हैं तो एक की जो एक केजी जब अपन ने मीट खाया तो उस मुर्गे को एक केजी का बनाने के लिए पहले उसको 3.5 किलो दाना खिलाना पड़ता है। 3.5 किलो जब उसको प्लांट्स खिलाते हैं तब जाकर के वो एक केजी मीट अपने को देता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे फूड वेस्ट हो रहा है, यानी जो पेट अपना एक केजी में भर सकता था अब उसके लिए अपने को 3.5 केजी की खेती करना पड़ेगी। सही है? डज इट मेक सेंस कि यार अपने को यार 3-3.5 गुना ज़्यादा खेती करना पड़ रही है? सही है बात कि नहीं है? ठीक है। और ऐसे ही मुर्गे का तो ठीक है, चलो 3.5 दाना अपन ने उसको खिला दिया 3.5 किलो। उसके बाद में जब अपन मटन की बात करते हैं तो उसको पहले 15 किलो दाना खिलाना पड़ता है तब जाके 1 किलो मटन मिलता है। और फिर बीफ की बात करें तो उसको 25 किलो दाना खिलाना पड़ता है तब जाके 1 किलो बीफ मिलता है हमको। तो इतनी सारी जो हम खेती कर रहे हैं एनिमल एग्रीकल्चर, मीट, एग्स, डेयरी वगैरह के लिए, वो पेड़ों के कटने का सबसे बड़ा कारण है। मेरी बात बिल्कुल भी मत मानो, घर पे जाना अभी ये सेशन होने के बाद में और फिर नेट पर सर्च करना सबसे बड़ा कारण क्या है पेड़ों के कटने का, सबसे बड़ा कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। उस पर अभी हम आएंगे ग्लोबल वार्मिंग पर, फिलहाल हम पेड़ों के कटने की बात कर रहे हैं। बीफ हो गया, मटन हो गया, मीट हो गया, चिकन का, अगर पूरी दुनिया मांस खाना छोड़ देगी तो आपको क्या लगता है कितना हम जो लैंड अभी हम जो एग्रीकल्चर के यूज़ कर रहे हैं कितना बच सकता है? हम जो अभी जितना अभी खेती कर रहे हैं अगर पूरी दुनिया मांस खाना छोड़ दे तो कितना लैंड हम बचा लेंगे खेती पे? 75%, बहुत क्लोज था, 75% लैंड बच जाएगा। तो पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेशन का बहुत सही है वो कारण, पर हमारी पॉपुलेशन को हम सस्टेन आराम से कर सकते हैं अगर हम सब प्लांट्स खाएं। अगर हम सभी प्लांट्स खाते हैं तो अभी जितनी हमारी खेती है ना उसकी 1/4 25% में ही हम सबका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, हमको उसको 1 केजी के लिए 3 केजी 3.5 केजी दाना खिलाना। तो एनिमल एग्रीकल्चर पेड़ों के कटने का सबसे बड़ा कारण है। 5,000 से 10,000 पेड़, अब वो आंकड़े तो यार मैं PPT खोल लूंगा, आंकड़े बता दूंगा कि इतने पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आपसे। 5,000-10,000 पेड़ हर सेकेंड कट रहे हैं, अगर कोई कल को हमें कंपनी दिख जाए कि यार ये रोज भी 1,000 पेड़ काटती है बेजबरन, जरूरत नहीं है, जैसे हमारे शरीर को मांस खाने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं पेड़ काटने की लेकिन वो काटती है, तो हम लोग उसको रोकेंगे या नहीं? उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं? थोड़ा सा जोर से यार, ऐसा लग रहा है लोगे ही नहीं यार तुम अगर कोई काट रही होगी तो। लिया जाना चाहिए या नहीं किसी कंपनी के खिलाफ? एग्जैक्टली। तो हम लोग 5,000 से 10,000 पेड़ हर साल काट रहे हैं जबकि हमारे शरीर को मीट की कोई आवश्यकता भी नहीं है, हर सेकेंड, सॉरी भूल गया मैं, तो हर सेकेंड हम इतने पेड़ काट रहे हैं जबकि कोई जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? लाइक यार कितनी बड़ी वो अजीब बात है कि हम लोगों को जरूरत नहीं है पर फिर भी हम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबने सुन रखा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, जो पूरा प्लैनेट है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इस बारे में किसी को कुछ पता है? ओजोन डिप्लेशन थोड़ा सा दूसरा मैटर है, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स मैं बता देता हूँ। जब पूरी पृथ्वी का वो टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कहीं पे ढंग से बारिश होती है, कहीं पे ढंग से बारिश नहीं होती, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा ही लगातार पड़ रहा है। ये और ज़्यादा हर साल ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि नहीं दुनिया में? हर साल ये जो गर्मी है, मान के चलो कि ये जो गर्मी है ना ये आपकी सबसे ठंडी गर्मी है, इसके बाद जितनी भी गर्मी आने वाली है वो इससे और ज़्यादा गर्म होने वाली है क्योंकि प्लैनेट का टेम्परेचर हर साल लगातार बढ़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अब तो हिंट मिल गई होगी मैं क्या बोलने वाला हूँ। एनिमल एग्रीकल्चर कैसे, उसमें डेयरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। होता ये है कि हमारे पास में 30 करोड़ गाय भैंस है दूध के लिए, जिनको हम फिर मार करके बीफ बना देते हैं।
29 करोड़ गाय वो लगातार मीथेन गैस एमिट करती है। मीथेन गैस पता है ना, CH4, आप लोग तो यार मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो मीथेन गैस पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 80 गुना ज़्यादा पावर रखती है वो पूरे प्लैनेट को गर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है ये बात कि क्लाइमेट चेंज का और पूरी पृथ्वी पर ये जो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है, जबकि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। या है, समझ में आया मैंने क्या सवाल पूछा? जबकि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, हम वेजिटेरियन भी रह सकते हैं, तब भी हम मीट के कारण, मटन के कारण, डेयरी के कारण, एग्स के कारण एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो ये तो हो गई क्लाइमेट चेंज की और डिफॉरेस्टेशन की बात। ओजोन की बात सर ने बहुत अच्छी करी। ओजोन का ये स्कूल में देखने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था, पर आजकल ओजोन का बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलता। आपको पता है क्यों? आजकल ओजोन के बारे में बिल्कुल नहीं सुनने को मिलता, क्यों? हाँ, रेफ्रिजरेटर से जो CFC गैसेस वगैरह हैं उनके कारण होता था, पर आजकल सुनने को क्यों नहीं मिलता? आजकल बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता ओजोन के बारे में, क्योंकि वो हो गई है सॉल्व। ओजोन जो लेयर थी, वो जो बहुत पतली सी लेयर थी जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती थी, वो वापस भर गई है। कैसे? क्योंकि जब सबको पता चला कि यार ये हम जो कर रहे हैं ना, AC के कारण, रेफ्रिजरेटर के कारण, हेयर प्रोडक्ट्स के कारण, इन सब के कारण पूरे इन्वायरमेंट की, पूरी पृथ्वी की बैंड बज रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको रिवर्स करने का फैसला लिया और उन चीज़ों को बैन किया, उन चीज़ों को यूज़ करना छोड़ा, और आज की तारीख में वो ओजोन लेयर वापस से भर गई है। इससे क्या साबित होता है कि अगर हम लोग चाहें तो ये जो हो रहा है एनिमल एग्रीकल्चर के कारण, इसको हम वापस से ठीक भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? हमारे ही तो हाथ में यार, हमारे शॉप पे जाना है, खरीदना नहीं खरीदना हमारे हाथ में। जैसा हमने देखा कि अगर कोई 1000 पेड़ हर साल काट रही होगी, हर दिन काट रही होगी, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये डिसीजन हम रोज ले सकते हैं कि हमको ये जो हमारे खाने के कारण जो इन्वायरमेंट पर डैमेज पड़ रहा है, ये हमें करना है, ये हमें पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होना है। जैसे ओजोन लेयर को हमने मिल करके बंद किया, हम क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं अगर हम सब मिल करके एक्शन लें। तो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के बारे में मेरा यही कहना था, एनिमल एग्रीकल्चर के कारण ही ये हो रहा है। मेरी बात बिल्कुल भी मत मानिएगा, घर पे जाइए, रिसर्च कीजिए इस बारे में एग्जैक्टली कॉज क्या है। अर्बनाइजेशन बिल्कुल ठीक, सही बात है, पर वो छोटी छोटी बात है कि वो, और ओवर पॉपुलेशन भी सही है, लेकिन हमारे पास इतना लैंड है फिर भी हम नहीं खिला पा रहे। वर्ल्ड हंगर का भी बहुत बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है, क्योंकि 3.5 किलो दाना में आपको 1 किलो मीट मिलता है, वहीं आप वो 1 किलो मीट से न जाने कितने लोगों का पेट भर सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस पर घर पर जब भी जाएं, तो होपफुली आप इस बारे में सर्च करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एनिमल एग्रीकल्चर इसका कैसे कारण है, और हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है।